खबर है नई दिल्ली से, जहां नागरिकता संशोधन विधेयक पर सोमवार को लोकसभा में हंगामा हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक तो सदन के पटल पर रख दिया, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे पेश करने का विरोध कर दिया। उन्होंने इसे अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया। इस पर शाह ने कहा कि यह बिल अल्पसंख्यकों के 0.001% भी खिलाफ नहीं है। हम हर सवालों के जवाब देंगे, लेकिन वॉकआउट मत करना। मुस्लिम समुदाय का इस विधेयक में एक बार भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन विपक्षी सदस्य बिल पेश होने का ही विरोध करते रहे और लोकसभा में इस पर करीब एक घंटे बहस होती रही। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और AIMIM के असाउद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने अपनी बात रखी। इसके बाद स्पीकर ने बिल पेश होने पर वोटिंग कराने के निर्देश दिए। बिल पेश किए जाने के पक्ष में 293 और विरोध में 82 वोट पड़े। 375 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। वहीं विपक्ष धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाकर बिल का विरोध कर रहा है। उनकी मांग है कि नेपाल और श्रीलंका के मुस्लिमों को भी इसमें शामिल किया जाए। इस बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया जा रहा है। AIMIM प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर बिल पेश हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह का नाम इसराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियोन के साथ लिखा जाएगा। इस दौरान भाजपा सांसदों ने ओवैसी के बयान पर आपत्ति जताई। वहीं धार्मिक आधार पर भेदभाव को लेकर शाह ने कहा कि यह बिल किसी भी तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। अगर कांग्रेस धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं करती तो नागरिकता बिल लाने की जरूरत ही नहीं होती। अनुच्छेद 14 के उल्लंघन को लेकर अगर समानता का कानून होगा तो अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार कैसे होंगे? उन्हें जो शिक्षा और अन्य चीजों का अधिकार मिला है उसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होता क्या? जितने अनुच्छेद के उल्लंघन की बात की गई उन्हें ध्यान में रखकर ही बिल ड्राफ्ट हुआ है। गैर मुस्लिमों को नागरिकता के मुद्दे पर अफगानिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 2 के मुताबिक वह देश इस्लामिक है। जी हां, वहीं पाकिस्तान भी इस्लामिक है। वहीं बांग्लादेश के संविधान में भी धर्म इस्लाम दिया गया है। मैं इसका जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इन तीनों देशों के संविधान में धर्म का जिक्र है। शरणार्थियों का इन तीनों देशों में यहां वहां आना जाना हुआ। नेहरू लियाकत समझौते में भारत पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करने पर सहमति बनी। भारत में इस समझौते का पालन हुआ, लेकिन पाकिस्तान में उनके साथ प्रताड़ना हुई। हिंदू, सिख, जैन, पारसियों को परेशान किया गया। पाकिस्तान में मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं होता है। प्रताड़ित मुस्लिमों को शरण देने पर शाह ने कहा कि अगर तीन पड़ोसी देशों में कोई मुस्लिम धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर नागरिकता की मांग करेगा तो हम खुले मन से विचार करेंगे। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में नागरिकता बिल लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। केंद्रीय कैबिनेट से बिल को 4 दिसंबर को मंजूरी मिल गई थी। इस बिल के जरिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने में आसानी होगी। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, दमरुक, सपा, बसपा, राजद, माकपा, AIMIM, बीजद और असम में भाजपा के सहयोगी अगप विधेयक का विरोध कर रही है, जबकि अकाली दल, जदयू, अन्ना द्रमुक सरकार के साथ है। बिल का असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी विरोध है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए बिल को संसद पास करवाना चुनौती होगी। भाजपा ने केरल के कांग्रेस सांसद TN प्रतापन और डीन कुरियकोस के निलंबन से संबंधित प्रस्ताव पेश किया। भाजपा ने कांग्रेस सांसदों से मांग की है कि वे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से माफी मांगे। स्मृति ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि जब मैं सदन में बोल रही थी तब कांग्रेस सांसद मुझे सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि उन्हें मेरा बयान आक्रामक लगा। कुछ सांसद तो मुझे सबक सिखाने के लिए बाहें मोड़ते हुए मेरे सामने आकर खड़े हो गए। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया था। भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने दोनों सांसदों के निलंबन की मांग की थी। भूगोल को मैं यही कहूँ, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि इस देश का 106 किलोमीटर का जमीनी सरहद शायद ये लोग पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।